हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एटलीज स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। गैस, आज हम जो वोकैब का जो सिक्स कर रहे हैं, डे जो है सिक्स हमारा, ठीक है। लेकिन गैस, आज जो हम टॉप टेन करने के बाद ये जो वोकैब, ठीक है, जो उस दिन बचा था हमारा, हमने सैटरडे को लाइव टेस्ट जो हम कर रहे थे, और बीच में कुछ टेक्निकल इशू की वगैरह से मैं संडे को वीडियो भी नहीं दे पाया, और ना ही मैं उस दिन लाइव जो टेस्ट हमारा था वो भी वहीं पर रुक गया था, है ना, बीच में ही स्टॉप हो गया था। उसके बाद एक्चुअली मेरा यूट्यूब का जो अपलोड बटन है ना, ये पता नहीं ऑटोमेटिक कैसे ये यूट्यूब बीटा वर्जन में आ गया था, ओपन हो रहा था। उसके बाद मेरा अपलोड बटन ही काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। सो मैं संडे को वीडियो भी नहीं दे पाया, ठीक है। और आज जो फिक्स हो गया सब कुछ। सो गाइज, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जितने भी टॉप टेन यहाँ पे वर्ड मीनिंग करने के बाद जितना भी लाइव टेस्ट का और 10 क्वेश्चन रह गया था हम लोग का, ठीक है, तो वो टेस्ट हम आज कर लेते हैं। अब बशर्ते कि आप लोग आंसर मिला लेना अपना, कितना आपका सही हुआ, ठीक है। और टोटल 20 क्वेश्चन हो जाएगा, जिसका भी 18+ सही होगा समझना है उसका प्रिपरेशन अच्छा है, और जिसका भी 18+ से कम सही है उसे मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, तो यहाँ पे हमारा है 15-1, ठीक है, हमारा साइनोनिम है, तो कौन सा वर्ड है देख लो आप। यहाँ पे गाइज है हमारा ऑब्लिगेशन, हमारा आज का फर्स्ट लॉ क्या है, ऑब्लिगेशन। ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है, एहसान, ठीक है। और यहाँ पर वीडियो पूरा देख लेना, बिकॉज आप लोग पीडीएफ के चक्कर में कहीं टेस्ट मत छोड़ देना आज का। तो ऑब्लिगेशन का मतलब होता है एहसान, ठीक है, जैसे कि इसका साइनोनिम हो जाएगा ग्रेटिट्यूड। तो गाइड यहाँ पे देखो, ग्रेटिट्यूड का मतलब कहीं होता है फ्री भी होता है, ठीक है, मतलब क्या बोलूँ इसे, फ्री का हिंदी क्या हो जाता है आपका, निःशुल्क, ठीक है। सो वही बात हुआ, कोई आपको निःशुल्क को कुछ दे दिया, मतलब एहसान ही आप पे कर दिया, है ना। वी शुड नेवर फॉरगेट ऑब्लिगेशंस ऑफ एनी वन, हमें किसी के एहसानों को कभी भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। सो ऑब्लिगेशन का मतलब क्या हुआ, एहसान, ठीक है। और बहुत सारे लोग जो है लाइव टेस्ट में, मुझे बहुत अच्छा लगा ये देख के, मैंने 10 क्वेश्चन ही कराया था, लेकिन बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि लोग, आप लोग अच्छे से स्टडी कर रहे हो, सारे वो कैप को अच्छे से याद कर रहे हो, ठीक है, मेरा मेहनत बर्बाद नहीं हो रहा है। वेरी वेरी थैंक यू आप सभी को। तो यहाँ पर गई देखो, रिब्योक, रिब्योक यहाँ पर रिबक भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये क्या आपका डांटना, ठीक है, इसका साइनोनिम हो जाएगा स्कोल्ड। स्कोल्ड का मतलब क्या होता है, डांटना। ये सभी वो कैप जो है एग्जाम के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। रिबक या फिर आप रिव्यू, इसका प्रोनाउंसिएशन दोनों कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि अभी देखो, मैंने दो जगह इसका प्रोनाउंसिएशन देखा, कहीं रिव्यू भी बोला जाता है और कहीं रिबक भी बोला, तो ठीक है। सो मैंने दोनों जगह यही अलग अलग देखा है। अब देखो साइनोनिम क्या है, स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना। सो गाइस यहाँ पे देखो, रोहन इज रिव्यू बाय हिज मदर, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे मदर का स्पेलिंग में इरर हो गया, ठीक है, MON हो गया, ये टाइपिंग में कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, MOTHER आप लोग लिख लेना। रोहन को उसकी माँ के द्वारा डांट पड़ी, ठीक है। सो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा नेक्स्ट क्या है, देखो डिस्कॉर्ड। डिस्कॉर्ड का मतलब होता है मतभेद, मतलब किसी बात से आप एग्री नहीं कर रहे हो या फिर उससे झगड़ा करा जाए ना, कंटेंशन भी बोलते हैं इसका साइनोनिम होता है। यहाँ पर डिस्कॉर्ड का मतलब हुआ मतभेद, और यही साइनोनिम क्या हो इसका, डिसएग्रीमेंट, मतलब किसी बात से आप सहमत नहीं हो रहे हो, मतभेद है, ठीक है, वही बात है। या फिर इसका कंटेंशन भी होता है, डिस्कॉर्ड मतभेद या फिर झगड़ा, वही कंटेंशन भी इसका होता है, साइनोनिम एक होता है। फिलहाल आप लोग दो ही याद रखो, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमत होना, या फिर मतभेद, दोनों सेम अर्थ निकलता है, मीनिंग इसका सेम निकलता है, ठीक है। सो देखो, POK, ठीक है, इज द मेन इश्यू ऑफ इंडिया पाकिस्तान डिस्कॉर्ड, जो है भारत पाकिस्तान मतभेद का मुख्य मुद्दा क्या है, पाक अधिकृत कश्मीर, ये तो सबको पता है भाई। सो डिस्कॉर्ड का मतलब क्या होता है, मतभेद, डिसएग्रीमेंट मतलब असहमति जताना किसी बात से। अब गए देखो यहाँ पे इंसिस्ट, 54 में हमारा क्या, इंसिस्ट। इंसिस्ट का मतलब होता है अटल रहना या फिर दृढ़। जैसे कि मैंने एक बार जो बोल दिया ना, आप कोई कितना भी बोल रहा है कि तुम ये काम मत करो, मैं बोलूँगा नहीं, मैं अपने बात से क्या हूँ, बिल्कुल भी इंसिस्ट हूँ, मैं यही काम करूँगा, ठीक है, वही बात है, अटल हूँ। अब जिसे चेंज नहीं किया जा सकते हैं। साइनोनिम हमारा फर्म, FIRM, फर्म, ठीक है। अब सेंटेंस देखो, आई इंसिस्ट ऑन माई डिसीजन। अब देखो, इंसिस्ट के साथ फिक्स्ड प्रीपोजिशन ऑन का यूज़ होता है, सो इसे भी आप लोग याद रख लेना अभी से, ताकि हमें जब प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो आधा प्रीपोजिशन हमें ऐसे ही याद हो जाएगा। अब देखो, मैं एक एक करके डेली आपको बता दूंगा, इंसिस्ट के साथ ऑन प्रीपोजिशन यूज होता है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंसिस्ट ऑन माई डिसीजन, मैं अपने फैसले के प्रति अटल हूँ, ठीक है। कभी फिल इन द ब्लैंक्स में भी अगर इंसिस्ट के बाद आपको फिक्स प्रीपोजिशन यूज़ करना हुआ, भरना हुआ, ठीक है, फिल करना हुआ, तो ऑन को ही यूज़ करना, इस बात को ज़रा ध्यान रखना आप लोग। अब देखो 55 में हमारा क्या है, रिटेन, ठीक है। रिटेन का मतलब क्या हुआ, याद करना। और एक होता है क्या, WRITEN, रिटेन। इस रिटेन का मतलब होता है लिखना, ये नहीं है, ये रिटेन इसे भी पढ़ते हैं और रिटेन इसे भी पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंट। इसे क्या बोलते हैं, रिटेन, और ये क्या है, रिटेन, ठीक है, रिटेन और रिटेन, दोनों आपको अंतर पता चल रहा होगा। तो वही हो गया क्या, याद कर रखना, या फिर उसका साइनोनिम है प्रिजर्व, ठीक है।
यहाँ पे कहीं देखो, सोहन डज नॉट रिटेन हिज डेट ऑफ बर्थ, सोहन अपना जन्मतिथि याद नहीं करता है, ठीक रखता है। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट आप लोग में से होंगे जिन्हें डेट ऑफ बर्थ भूल जाते हो, जैसे फॉर्म वगैरह फिल करना हो ना, ये रियलिटी है। मेरा एक फ्रेंड था, जब भी फॉर्म फिल करना होता था ना, वो अपना भूल जाता था डेट ऑफ बर्थ, उसे रिटेन नहीं रहता था, मतलब याद नहीं रहता था। ठीक है, 56 देखो, लेडन, लेडन का मतलब क्या हुआ, लदा हुआ, मतलब लोडेड, जैसे कि किसी के ऊपर, जैसे गधा का कहानी सुना था ना आपने, गधा जो था उसका मालिक था, क्या क्या उसके उसके ऊपर नमक का बोरे को क्या क्या लाद दिया, ठीक है, और वो क्या क्या गधा क्या क्या पानी में गया और सारा नमक जो है बैठ गया उसमें, सारा नमक क्या वो घुल गया, वही है इसका मतलब लदा हुआ, लेडन, ठीक है, मतलब लोडेड। अब गई देखो, पुलिस काउज एन ओवरलोडेड ट्रक। अब जो गई यहाँ पे पुलिस ने अत्यधिक लदे हुए ट्रक को पकड़ लिया, आपने भी देखा होगा ओवरलोडेड ट्रक को पकड़ लिया जाता है पुलिस के द्वारा। अब यहाँ पे एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, हेमलेट, ठीक है, हेमलेट, और एक होता है हेलमेट। हेलमेट का मतलब क्या होता है, कि जो आप लोग बाइक वगैरह चलाते हो तो उस टाइम जो हेलमेट पहनते हो वो होता है, लेकिन ये हेलमेट नहीं है, एल पहले नहीं आया, पहले यहाँ पे हेमलेट ही है, ठीक है, ध्यान देना, HAMLET, हेमलेट, ठीक है। हेमलेट का मतलब होता है झोपड़ी या फिर गांव देहात, ठीक है, छोटा छोटा जो बहुत छोटा जो गांव होता है उसे हम हेमलेट बोलते हैं। हट मतलब झोपड़ी, वही इसका सरोनिम है। देयर आर मोर पॉवर्टी इन हेमलेट्स, मतलब गांव देहात में ज़्यादा गरीबी है, तो सबको पता होता है, तो याद रखना हेमलेट का मतलब क्या होता है। सो गाइज ये देखो, आउटले, आउटले का मतलब क्या होता है, खर्च करना, जैसे एक्सपेंस, ठीक है ना। अब इसका सेंटेंस देख लो, ये तो आपको याद हो गया होगा, छोटा सा वोकैब है, मीनिंग है, लेस इनकम एंड मोर आउटले, मतलब क्या, कम आमदनी और ज़्यादा खर्च, ठीक है, इट वही इट इज़ द रीज़न ऑफ पॉवर्टी, ये क्या है, गरीबी का कारण है, मतलब आपका इनकम है 2 रुपये और खर्च कर रहे हो 4 रुपये, तो फिर गरीब होना ही होना है ना, वही है आउटले का मतलब क्या हुआ, खर्च करना। अब देखो गाइस, बाल्मी, BALMY, बाल्मी का मतलब होता है क्या, सुहाना, ठीक है, या फिर शांतिदायक, इसका सैनोनिम है सुथिंग, SOTHING। सो बाल्मी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना आप लोग, सारे वर्ड जो इंपॉर्टेंट ही है, लेकिन यहाँ पे जो जो जल्दी याद होने वाली चीज़ है, बाल्मी बहुत जल्दी याद हो जाएगा आपको, ऐसी बाल्मी मतलब सुहाना शांतिदायक, सुथिंग इसका सैनोनिम हो जाएगा। सेंटेंस है, इट इज़ बाल्मी डे, ठीक है, आज का दिन जो है आपका सुहाना है। सो अब देखो आज के लास्ट हमारा क्या वो कैब है, फैटाल, फैटाल का मतलब क्या होता है, घातक, ठीक है, ड्रेडफुल, तो ड्रेडफुल का मतलब भयानक भी होता है, घातक भी होता है ना, पहले बताया था ड्रेडफुल के मतलब है। देखो, जंपिंग फ्रॉम ट्री कैन बी फेटल फॉर यू, मतलब क्या, पेड़ से छलांग लगाना तुम्हारे लिए घातक हो सकता है, वही बात है, फेटल का मतलब क्या होता है, घातक, और ड्रेडफुल का मतलब होता है वही। सो गाइज चलिए हम टेस्ट आज का स्टार्ट कर लेते हैं अब। हाँ चलिए गाइज, यहाँ पे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग खुद से आंसर मैच करना, ठीक है, बिकॉज आपको तो पता है वीडियो लाइव नहीं बल्कि प्रीमायर रही है, सो आपका नाम मैं नहीं ले पाऊंगा। दो गई, क्लैम्बर, क्लैम्बर का बताओ यहाँ पे सैनोनिम क्या होगा, थोड़ा सा आप टाइम ले लो, क्लैम्बर, ठीक है, क्लैम्बर का मैंने क्या बताया था आपको, चलो अब तक आपने आंसर दे लिया होगा अगर आपको याद होगा तो। कहीं देखो क्लैम्बर का मतलब होता है, देखो क्लैम्बर मतलब क्या, हाथ पैर के बल कहीं पे चढ़ना, जैसे ठीक है पेड़ पे आप चढ़ते हो तो हाथ पैर के बल पे चढ़ते हो, पहाड़ों पे चढ़ना होता है तो हमें हाथ पैर के बल पे चढ़ना होता है, ठीक है, वही होता है क्लैम्बर का मतलब, हाथ पैर पे चढ़ना, तो क्या हो जाएगा हमारा, क्लाइम, CLIMB, क्लाइम, क्लाइम का मतलब क्या होता है, वही चढ़ना, ठीक है। प्लम्बर होता है वो जो नल वगैरह बनाता है वो, ठीक है। क्लेम मतलब होता है दावा करना, ठीक है। कैलामिटी का मतलब नहीं बताऊंगा बिकॉज आगे इससे रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। देखो 11, 11 में हमारा क्या है, पॉन्डर, ठीक है, पॉन्डर का मतलब क्या होता है जरा बताओ, मैंने बताया था आपको PONDER, पॉन्डर, ठीक है, आपको बताओ। एक्सिस का मतलब क्या होता है, अक्ष, इसका मैंने नहीं बताया था, जैसे एक्स एक्सिस होता है ना, ये हो गया एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स डैश, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश, ये हो गया एक्सिस, ठीक है, और बताओ। पॉन्डर का मैंने बताया था क्या, आप देखो ये सभी नहीं बताऊंगा बिकॉज आगे से क्वेश्चन हो सकते हैं। पॉन्डर का मतलब होता है विचार करना, सोचना, ठीक है, वही होता है म्यूज। चलो नेक्स्ट देखो, एलायंस, एलायंस का मतलब क्या होता है जरा बताओ, एम्पल, एकॉर्ड, ऑकर्ड या फिर रिकॉयल। अब रिकॉयल से रिलेटेड आगे क्वेश्चन है, ऑकर्ड, ठीक है, OCCURRED, ऑकर्ड का मतलब क्या होता है, अच्छा नहीं लगना, जैसे किसी काम को करने में आप क्या ऑकर्ड फील कर रहे हो, मतलब भद्दा फील कर रहे हो, ठीक है, वो है ऑकर्ड। और एम्पल का मतलब होता है एडिक्वेट, मतलब अधिकता, प्रचुर मात्रा में, ठीक है। अब एकॉर्ड, ये बता, ACORD, एकॉर्ड का मतलब क्या होता है, सामंजस्य या फिर गठबंधन करना, एलायंस का मतलब भी क्या होता है, गठबंधन करना, ये सभी चीज़ मैंने बताया था, है ना।
चलो तेरे नंबर देखो क्या हमारा, मिस गिविंग। मिस गिविंग का मैंने आपको बताया था ना, सारे बताओ ए बी सी डी में से। सपोर्ट का मतलब तो आपको पता ही है, किसी का सहारा, ठीक है। पॉन्डर का मतलब मैंने आपको बता दिया आज, ठीक है। पॉन्डर का मतलब क्या होता है, विचार करना या फिर सोचना, ठीक है। म्यूज, अब ये मिस यूज है, मिस यूज का मतलब तो आपको पता है ना क्या होता है, गलत यूज करना किसी चीज का, ठीक है। मिस गिविंग का मतलब क्या होता है, मिस अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, गलत फहमी, है ना। तो तेरा का आंसर ए हो जाएगा, चलो जिसका होगा ए सही होगा। अब देखो मैंने कैलामिटी का नहीं बताया था ना, आ गया आपका 14 नंबर में। कैलामिटी का बताओ क्या होगा, एडिक्वेट, ब्लेंड, डिस्ट्रेस या फिर काइंड। तो काइंड का मतलब तो आपको पता है क्या होता है, दयालु होता है, ठीक है। एडिक्वेट का मैंने बताया ना, एम्पल, AMPLE, एम्पल, एप्पल नहीं है ये, एम्पल है। एम्पल का मतलब क्या होता है, अधिकता, अधिकता मतलब क्या, प्रचुर मात्रा में होना कोई चीज़ का, है ना, वो होता है। ब्लेंड तो हमने बताया था लाइव टेस्ट में ही, मिलाना दो फिगर को। बचा क्या, कैलामिटी का मतलब क्या, आपदा या फिर संकट, डिस्ट्रेस, ठीक है। चलो हम नेक्स्ट देख लेते हैं, जिसका जिसका भी होगा कैलामिटी का डिस्ट्रेस सही होगा। हाउटी, HAUGHT, हाउटी का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था, एक होता है नॉटी और एक होता है हॉटी। नॉटी का मतलब नटखट होता है, ठीक है, शरारती। और यहाँ पे देखो एक क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक, ठीक है, चतुर। हाफ का मतलब होता है आधा। आर्मिस्टिक मतलब ये लिख लेना, आर्मिस्टिक का हिंदी लिख लेना, ऑप्शन डी का हिंदी लिख लो, काम आएगा। युद्ध विराम, जैसे दो देशों के बीच में जब युद्ध होता है, जो उसे फिर विराम होता है, खत्म किया जाता है, उसे आर्मिस्टिक कहते हैं। अब गाइस हॉटी का मतलब क्या होता है, प्राउड करना, मतलब कि अपने आप पर घमंड करना, समझ में आया। 15 का हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। ये सभी पढ़ाया हुआ है ना, मुझे उम्मीद है कि आप सभी सही कर रहे होगे। अब देखो एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव तो मैंने बता दिया था गाइस, यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन में यही था। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है यूनिक, ठीक है, यूनिक मतलब अद्वितीय। अब देखो 17 नंबर क्या हमारा, सडन, बताओ सडन का मतलब तो आपको हिंदी पता है, सडन का मतलब होता है अचानक। अब ये बताओ इसमें से सडन का जो है साइनोनिम कौन सा है, फास्ट, अब्रप्ट, यूनिक या फिर काइंड। तो काइंड का मतलब पता होता है क्या होता है, दयालु। यूनिक का मतलब होता है अद्वितीय, ठीक है। फास्ट का मतलब तेजी से और सडन का मतलब होता है अचानक। यहाँ पे तेजी से और अचानक दोनों एक दूसरे के साइनोनिम नहीं है, बल्कि एब्रप्ट का मतलब क्या होता है, अचानक, ठीक है। तो 17 का हमारा साइनोनिम सी हो जाएगा, सडन मतलब क्या होता है, एब्रप्ट, ठीक है, या फिर अब्रप्टली भी उसी से बना है। मैंने ये सभी चीज़ें बताई थी आपको। अब बताओ 18 नंबर है क्रिटिसाइज, क्रिटिसाइज का मतलब क्या होता है, चलो मैं हिंदी बता देता हूँ। क्रिटिसाइज का मतलब होता है आपका, ये क्या बोलते हैं उसे, किसी का आलोचना करना, शिकायत करते रहना, वही होता है क्रिटिसाइज, ठीक है। अब बताओ इसका साइनोनिम यहाँ पे क्या हो जाएगा, बताओ फटाक से। यहाँ पे सिलेंडर में आपको देख रहे होगे आप लोग, दो तीन है ना सिलेंडर, ये कोई मीनिंग नहीं है, SYLND AR कोई मीनिंग नहीं है। सिलेंडर मतलब बेलन होता है, उसे बोलते हैं। अब स्लैंडर मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, मतलब आलोचना करना, ठीक है। 18 का ये नंबर, ये सभी चीज़ें मैंने बता रखा था आपको, और जिसका जिसका सही हो रहा है समझो कि बहुत बढ़िया, आप लोग की तैयारी चल रहा है। देखो अपेलिंग, APPLING, ठीक है, मैंने आज बताया आपको क्या अपेलिंग का मतलब, सॉरी एम्पल का मतलब मैंने आपको बताया, अधिकता, एडिक्वेट। स्लो का मतलब धीरे, काइंड का मतलब दयालु, ठीक है। अपालिंग का मतलब हो गया ड्रेडफुल, मतलब मैंने आज ही हिंदी बताया उसका, डरावना, घातक, भयावह, सभी एक ही चीज़ है, ठीक है। इसका ड्रेडफुल का एक और सिनोनिम आज मैंने बताया था, है ना, चलो फेटाल बताया था आपको। अब देखो रिक्वायल, रिक्वायल का मैंने बताओ, मैंने पढ़ा रखा है क्या होगा सिनोनिम चारों में से। बर्न का मतलब क्या होता है, जलना। रिक्वायल का मतलब क्या होता है, पीछे हटना, ठीक है। रिक्वायल का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है। फ्यूल्स का मतलब क्या होता है, ईंधन। यूनिक का मतलब अद्वितीय। अब बचा हमारा रिट्रेट, रिट्रेट का मतलब भी क्या होता है, पीछे हटना, जो कि रिक्वायल का साइनोनिम है। ये सभी चीज़ें पढ़ाई हुई थी गाइस। देखो कल का, सॉरी सैटरडे का हमारा 10 क्वेश्चन और 10 लाइव टेस्ट जो मैंने कराया था वो, और आज का 10। मैंने टोटल देखो क्वेश्चन आपका ना एक ही मैंने सेट किया था, 20 क्वेश्चन सेट किया था, बट हुआ क्या ना कि टेक्निकल इशू की वजह से आपने देखा अचानक से आपका लाइव जो था वो बंद हो गया, लाइव जो टेस्ट चल रहा था स्ट्रीम ऑफ हो गया। फिर मैंने बार बार कोशिश किया कनेक्ट करने का, नहीं हो पा रहा था तो फिर मैंने छोड़ दिया, ठीक है। फिर जैसे मैंने वीडियो अपलोड करना चाहा संडे का जो रीजनिंग का था वो नहीं हो पाया, ठीक है। और आज मंडे से आपको GK का जो है वीडियो मिलेगा, और कहाँ मिलेगा आपको, A to Z स्टडी पे नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ एग्जाम चैनल जो है प्योर GK के लिए है, वो भी अपना ही चैनल है, उस पर आपको बिल्कुल नेवी, MR और एयरफोर्स ग्रुप Y के लिए जो है कंप्लीट GK की तैयारी होगी पूरी रेगुलर क्लास के साथ, ठीक है। और डेली आपको 8 बजे GK अभी मिलेगा, ठीक है, और हर एक संडे को वीकली आपको करंट अफेयर मिल जाएगा।
सो गाइस आराम से क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ से डेली आप लोग मॉर्निंग में 8 बजे जीके का क्लास कर लेना, ठीक है। और अदरवाइज आप ए टू जेड स्टडी के प्लेलिस्ट पे भी अगर जाते हो, या फिर होम पेज पे जो एयरफोर्स ग्रुप वाई और नेवी एमआर के लिए मैंने प्लेलिस्ट बनाया है, तो वहाँ पर भी सारे प्लेलिस्ट में आपको सभी जीके रीजनिंग मैथ जितने भी हैं आपको प्लेलिस्ट इंग्लिश के वोकैब के ग्रामर के हर एक चीज़ वहाँ से आपको मिल जाएंगे। वीडियो देख लिया करो, क्लास किया करो, ठीक है। चलो गुड बाय। और ये प्लेलिस्ट आप डाउनलोड कर लेना, जो आज का मैंने वोकैब कराया था उसका मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, और बाकी जो लाइव टेस्ट का प्लेलिस्ट होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा आपको, ठीक है। चलो गुड बाय।